संकल्प संख्या 51 में था कि हमारे जगह पर जब तक कोई टीचर पद स्थापित नहीं होंगे तब तक हमारी सेवा बनी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के पालन का हार जो है वो हमें ठगने का काम करेंगे ये तो हम नहीं सोचे थे। अच्छा की बात है, आज पूरे परिवार में समाज में ये कहा जा रहा है कि आप अयोग्य हैं इसलिए आपको हटा दिया गया, आप लोग में वो क्षमता नहीं है इसलिए सरकार आप लोगों को हटा दी। क्या हम लोग अयोग्य है? 6 साल से हम लोग योग्य थे, आज हम लोग अयोग हो गए। गर्दनी बाग में भी हम लोग से ज्ञापन लिया गया था, सीएम आवास में भी हम लोग से ज्ञापन लिया गया था जो पहुंचा देंगे, लेकिन पद न जाने कब पहुंचा नहीं पहुंचा हम लोग को पता ही नहीं। अब फिर यही बात होता है ज्ञापन दीजिए हम लोग को पहुंचा दिया जाएगा, अब ये कहां तक सत्य है हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग दर दर के आप अतिथि शिक्षक है ना, आप लोग अब अतिथि थोड़ी ना रहिएगा, अब आप लोग परमानेंट हो जाइएगा। सर जल जीवन हरियाली के टाइम में वो हर डिस्ट्रिक्ट में जा जा करके वो देख रहे थे कि मेरे द्वारा जो योजनाएं करवाई गई हैं उस कहां तक पहुंचा है, उसी समय उन्होंने ये कहा था, लेकिन सर उसका नतीजा तो आज यही हो, कोई वैल्यू नहीं रहा सर, आज तो हम लोग बेघर हो गए हैं। तो जैसे होता क्या है ना सर कि जब कोई बड़ा जैसे माँ बाप अगर बच्चों को बोल दे कि हम तुम्हारे लिए चॉकलेट लाएंगे तो बच्चा उसे लिखित प्रमाण थोड़ी मांगता है, वो तो इस विश्वास पर रहता है कि माँ बाप ने कहा है तो लेकर के ही आएंगे। तो उसी तरह जब माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के पालन का हार जो है वो हमें ठगने का काम करेंगे ये तो हम नहीं सोचे थे। हमने सोचा जब उन्होंने ये बात कह दिया है तो हमें परमानेंट कर देंगे, हम इसी आस में और दिलो जान मेहनत लगा करके काम करते रहे विद्यालयों में। ऑप्शन कोई एग्जाम भी लिया गया? हाँ हम लोग तैयार हैं सर, हम लोग बोले कि हम लोग को सक्षमता परीक्षा अभी 2 अप्रैल से 3 अप्रैल से वो शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हमें शामिल कर लें, हम सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, डिपार्टमेंटल कोई एग्ज़ाम ले लें, एग्ज़ाम में हम लोग को बैठाएं, लेकिन हम लोग बीपीएससी में बैठने के लायक नहीं है सर, उम्र पार हो गई है हमारी। मुश्किल तो पड़ रहा है तो क्या करें, अपना रोजी रोटी के लिए तो निकलना पड़ेगा ना। टेकारी राज इंटर स्कूल गया में। गया में? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो इतना बड़ी हुई है जो बनाया जा रहा है क्या कहिए? हम कहेंगे कि जो हमारी सेवा है हमें वापस दी जाए, जो हम लोग काम कर रहे थे उससे हम लोग को हटाया नहीं जाए, बस हम लोग इसी मांग से यहाँ आए हैं। तो लगभग 6 साल से हम पढ़ा रहे हैं। हाँ हम लोग 6 साल से पढ़ा रहे हैं, सरकार का जो भी काम हो, कॉपी मूल्यांकन, कोरोना, जनगणना का काम, सारा काम हम लोग ने किया है। अभी पीएससी से जो हम उन लोग की बहाली हुई है अभी पीएससी वालों की, उसके बाद इनका कहना है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है, जबकि अभी हमारे स्कूल में भी टीचर नहीं है। तो इनके द्वारा जो लेटर निकाला गया है, हमारा मानना है कि उसको आप निरस्त करते हुए हमारी सेवा को वापस कीजिए, यही मांग है सर। लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि ये पहले लिखित नहीं दिए थे कि परमानेंट की जाएगी आप लोगों की, तो अभी तो हो गई, अभी नहीं आई ही नहीं हमारे स्कूल में टीचर, सभी स्कूल में टीचर थोड़ी आए हैं, नहीं अभी हमारे स्कूल में हम अकेले हैं, स्थापित हो रहे हैं वहाँ हटेंगे ना, अचानक से सबको हटा दिया गया। लेकिन मैडम सवाल ये भी है ना कि जब तक परमानेंट की बात जब लिखित सवाल तो बनता है, हमारा क्या बन कई लोगों के मुँह से कहा गया नीतीश कुमार के द्वारा कि आप लोग हमारी मांग उनसे ये भी थी कि जैसे नियोजित की सक्षमता परीक्षा उन्होंने ली है डिपार्टमेंटल एग्जाम, हमें भी डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर के हमें भी परमानेंट करें, क्योंकि हमारा वो उम्र नहीं है।